नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आपके साथ में नीतीश गुप्ता और हमारे साथ मौजूद हैं सुबोध यादव जी, भालचंद यादव जी के पुत्र हैं और फिलहाल क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं, संत कबीर नगर में खड़े हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सुबोध जी, क्या माहौल लग रहा है फिलहाल यहाँ? देखिए, यहाँ का जो चुनाव हो रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है। एक एक कार्यकर्ता, हर समाज के वर्ग के लोग मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं पप्पू निषाद बनकर प्रत्याशी। अब आने वाले 25 तारीख को सबने मूड बना रखा है कि साइकिल वाले खाने बटन दबा करके जो गठबंधन के हमारे राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और केजरीवाल जी का जो सपना है कि बीजेपी को हटाना है और यहाँ विकास के मुद्दे को बनाना। भालचंद जी का एक अलग प्रभाव था इस क्षेत्र में पूरे, आप उनके पुत्र हैं, आप भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, आप भी हिसाब किताब देख ही लिए हैं। अब आपको जिस तरीके से लगता है कि अब आपकी भी पार्टी फिलहाल गठबंधन में शामिल है, क्या लग रहा है कुछ माहौल बदलेगा? क्योंकि प्रवीण निषाद अलग दावा कर रहे हैं, अभी अमित शाह की रैली थी वहाँ पे अलग ही चीज बोली। देखिए, गठबंधन प्रत्याशी हमारी आम आदमी पार्टी, बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने बुला करके हमको सम्मान से मतलब हमने पार्टी में शामिल हो गए। हम लोग की पार्टी जो गठबंधन हुआ है, खलीलाबाद के एक कार्यकर्ता जो हम लोग के समर्थक रहे, सारे लोग मिल बना करके जो गठबंधन के हमारे प्रत्याशी है उनको जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे अखिलेश जी का जो हाथों को मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए, इस इलाके से जो पिताजी का जो सपना है, सब कार्यकर्ता उसको पूरा करने के लिए यहाँ से रणनीति बना करके पप्पू निषाद को जिता के भेजने का काम करेगा। अच्छा, ये बताइए, चुनाव से पहले जब अभी टिकट बंटवारे की बात नहीं हो रही थी, आप ही लगे हुए थे, ये भी हल्ला था कि सुबोध ही जी को टिकट जो है मिलना है, टिकट नहीं मिला, टिकट कट गया, पप्पू निषाद जी को मिला। आपके जो खुद के कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल पूरे तरीके से सब लोग का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला है, सारे कार्यकर्ताओं का फैसला, सब लोगों ने मान लिया है कि पप्पू निषाद को प्रत्याशी बनाया, सारे कार्यकर्ता मिल करके उनको जिताने का काम कर रहे हैं। पिछले बार का जो रिजल्ट था, बहुत अंतर से प्रवीण निषाद चुनाव जीते नहीं थे, क्या आपको लगता है इस बार का समीकरण कुछ और बदलेगा? इस बार समीकरण एक तरफा है पप्पू निषाद जी की तरफ से, वोट का अंतर क्या होने वाला है? देखिएगा, जो काउंटिंग होगा आपके सामने सबको दिखेगा पड़ेगा। 400 पार का दावा कर रहे हैं, 400 पार शुरू दे रहे थे ना, अब तो नहीं दे रहे ना 400 पार का। हाँ, अब तो उनकी बोलती बंद हो गई, जब से चुनाव जैसे चरण चल रहा है वैसे कम होते जा रहे हैं। अमित शाह की रोड वो रैली थी, उन्होंने बोला कि 400 पार होने वाला है, पांच चरण तक 300 पार हमने कर। अरे तीन का, आपने खुद कार्यक्रम देखे हैं यहाँ पर, जनता क्या पता चला कई माध्यम, पत्रकार माध्यम की आपकी तरफ से, कि बच्चों को स्कूल से बुला बुला करके कार्यक्रम करा गया। तो इस बार फिलहाल क्षेत्र का माहौल इस बार दूसरा है। हर समाज के लोग एक बना रखा है कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और जिले को बचाने के लिए सबने मूड बना रखा है। इस बार पप्पू निषाद को साइकिल चुनाव निशान पे वोट देगा। इन्हीं सब बातों के साथ सभी लोग कार्यकर्ताओं को अपील करता हूँ, एक एक वोट अपना समाजवादी पार्टी को वोट देकर के भारी मतों से जिताए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुबोध यादव जी, जिनका साफ कहना था कि इस बार संत कबीर नगर में पप्पू निषाद चुनाव जीत रहे हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।